सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने हेयर्स की ग्रोथ को 15 दिन में कैसे बढ़ाएं। हमारे हेयर्स की ग्रोथ को जल्दी जल्दी ग्रो होना बंद हो जाते हैं हमारे हेयर्स, तो फिर हमें बहुत तरह तरह के ऑयल यूज़ करते हैं, बहुत तरह तरह के चीज़ें अपने हेयर्स पे मतलब ट्राई करते हैं, बट वो वर्क नहीं करते हैं और हमारे हेयर्स ग्रो नहीं होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल सी इजी रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसे फॉलो करने के बाद आपके हेयर्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो होंगे आपके हेयर। तो बने रहे मेरे इस वीडियो के साथ, पूरे वीडियो को एंड तक देखें, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि किस तरह से इस रेमेडी को ट्राई करना है और कैसे फॉलो करने से आपके हेयर्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको उस रेमेडी के साथ मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगी, जिससे आपके हेयर जल्दी जल्दी ग्रो होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस, इसके प्रिपेयर करने के लिए इस रेमेडी को हमें सबसे पहले अनियन लेना है और उसका जूस प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद हम उसमें 2 चम्मच कोकोनट ऑयल ऐड कर देंगे, और कोकोनट ऑयल ऐड करने के बाद हम उसमें 1/2 लेमन जो है ऐड करेंगे गाइस। तो गाइस, हमारा ये मास्क जो है यहाँ पर प्रिपेयर हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अब इसे मैं अपने हेयर्स में अप्लाई करूँगी। हेयर्स में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं अपने हेयर्स को अच्छे से पार्टीशन करके कॉम कर लूँगी, ताकि हमारे बाल में एक भी टैंगल्स ना रहें, अदरवाइज हमारे बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ेंगे, जिससे हमें फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। सो गाइस, अब मैं अपने हेयर्स में इसे अच्छे से अपने रूट्स पे अप्लाई कर रही हूँ। अपने हेयर्स पे इसे मसाज करते हुए सर्कुलर मोशन में पूरे हेयर्स पे अप्लाई कर लेंगे, और कुछ देर तक मसाज करेंगे, और उसके बाद हम अपने हेयर्स को ऐसे ही छोड़ देंगे। और आधे घंटे बाद जा कर के अपने हेयर्स को जैसे वॉश करते हैं वैसे ही शैम्पू से वॉश करना है, और उसके बाद फिर कंडीशनर अप्लाई कर लेना है गाइस। गाइस, जो इसमें हमने अनियन ऐड किया है, अनियन जो हमारे हेयर ग्रोथ को बहुत ही अच्छे से बूस्ट करता है, हमारे हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है गाइस, और साथ में जितने भी हेयर के रिलेटेड इश्यूज होते हैं डैंड्रफ, इन सभी को ठीक करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ हमारे हेयर्स को हेल्दी बनाता है, और जो हमारे ग्रे हेयर की प्रॉब्लम होती है उन्हें भी कम कर देता है। उसके बाद गाइस, हमने इसमें कोकोनट ऑयल ऐड किया। कोकोनट ऑयल जो है हमारे रूट्स को बहुत ही अच्छे से पोषण देता है, साथ में हमारे हेयर्स को सिल्की एंड शाइनी बनाने में भी हेल्प करता है, और प्लस हमने इसमें लेमन ऐड किया है गाइस। तो लेमन जो है हमारे हेयर्स के जितने भी हेयर रिलेटेड इश्यूज हैं, डैंड्रफ इस टाइप्स की प्रॉब्लम है, उन्हें बहुत ही जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करता है, साथ इन सभी इशूज को कम होने से हमारे हेयर ग्रोथ जो है प्रमोट होने लग जाएगी गाइस बहुत ही जल्दी। गाइज, इस रेमेडी को ट्राई करने के साथ साथ आप लोगों को इन तीनों टिप्स को फॉलो करना है। इन तीनों टिप्स को फॉलो करने से आप लोग के हेयर्स के ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छे से होंगे और बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे। तो सबसे पहला गाइज ये है कि अपने हेयर्स को जो है रेगुलर बेसिस पे ऑयलिंग करें, और ऑयलिंग जो है आप लोगों को ऑयल अपने हेयर्स में रात भर अप्लाई करके नहीं छोड़ना है। ऑयल जो है हमारे यहाँ 2 से 3 घंटों तक ही सिर्फ अपने हेयर्स में ऑयल रखना है, अदरवाइज़ ज़्यादा देर तक रहने से हमारे जो है लगाए रखने से हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, और फिर उससे हमारे हेयर फॉल जब होगा तो हमारे हेयर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। नंबर 2 जो है वो ये है कि हमें अपनी डाइट में हेल्दी फूड वेजिटेबल्स को ऐड करना चाहिए, जिसमें साग जो है पालक साग, वो हमारे हेयर्स की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो हमें वो अपने डाइट में ज़रूरी इंक्लूड करना चाहिए, उससे हमारे हेयर ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट होते हैं। सो गाइस, जो टिप नंबर 3 है वो ये है कि हमें पानी जो है बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। गाइस, आप सभी सोचेंगे पानी पीने से हेयर ग्रोथ का क्या कनेक्शन है, बट ये गाइस सच है कि अगर हम पानी जितना ज़्यादा पियेंगे तो हमारी ग्रोथ, हेयर की ग्रोथ जो है पानी पीने से भी हमारे हेयर की ग्रोथ जो है बहुत अच्छी हो जाती है। सो गाइस, इन तीनों टिप्स को फॉलो कीजिए और साथ में वो रेमेडी ट्राई कीजिए, आप लोगों की हेयर्स की ग्रोथ जल्दी बढ़ने लगेगी। गाइस, आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाते जाते। सो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।